गुड इवनिंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सॉलिड के क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक लैटिस। लैटिस क्या होता है? अगर लैटिस के डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ध्यान देना, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन थ्री डायमेंशनल रीजन और थ्री डायमेंशनल स्पेस। यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका हम अगर रेगुलर अरेंजमेंट एकदम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम 3D में उसका अरेंजमेंट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? लैटिस मिल जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ पॉइंट, ध्यान देना, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन 3D स्पेस इज कॉल्ड लैटिस। तो इसका डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये हमारे एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल हो सकते हैं इन 3D स्पेस। या फिर आप लिख सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पॉइंट, लिख लो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन 3D स्पेस इज कॉल्ड आर कॉल्ड लैटिस। तो ध्यान देना कि लैटिस जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, हमारा एटम है, आयंस है या मॉलिक्यूल्स है, अगर हम उसको वन बाय वन बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, अब चूंकि हम पढ़े भी थे कि जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, और चूंकि हमको क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है ना, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका बहुत ही जो अरेंजमेंट होता है वो वेल ऑर्डर में होता है। तो वेल ऑर्डर में होगा तो क्या होगा, एकदम से सिस्टमेटिक, एक रो में ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से क्या होंगे, वो अरेंज होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, हम इसका अरेंजमेंट अगर देखें यहाँ पे, ये मान लो हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को ऐसे डिनोट कर रहे हैं पॉइंट से, ऐसे ही एकदम सिस्टमेटिक तरीके से रेगुलर पैटर्न में हम एटम को अरेंज करते जा रहे हैं। अब सेकेंड रो इसके बीच में रखती है एक एक एटम। अब अगर बात आएगी कि इसके बीच में ही क्यों रख रहे हैं, तो अगर बात इसके बीच में ही क्यों रखेंगे तो ध्यान देना इसकी जो पैकिंग होती है बहुत ही क्लोज होती है, और अभी आगे जब नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे पैकिंग एफिशिएंसी वहां पे हम बताएंगे। ध्यान देना, अगर आपके पास किसी चीज को रखना हो, जैसे मान लीजिए आपके पास बॉल है और उसको बॉक्स के अंदर रखना है, तो बॉल को अगर ऐसे ही रैंडमली रख देंगे तो क्या होगा, कम बॉल आएगा, और जबकि हम क्या करेंगे, पहले एक बॉल का लेयर लगाएंगे, उसके दो बॉल के बीच में फिर एक एक बॉल रखते जाएंगे, तो इससे क्या होगा, जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो बढ़ती है। इस वजह से हम यहाँ पे लिख रहे हैं नेक्स्ट। अब इसके फिर एक नीचे एक और लाइन ड्रा कर लेते हैं, एटम अरेंज कर ले रहे हैं। तो ध्यान देना, तो इस तरीके से ध्यान देना जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, एक रेगुलर, ध्यान देना, एक रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, अब जिस साइट को ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्युपाई किया रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट, ठीक है ना। तो लैटिस पॉइंट को अगर हम डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं साइट ऑक्युपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल।
यानी कि जो साइट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई किया हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान देना, तो पहली बात हमारी हुई लैटिस और दूसरा हमारा हो गया लैटिस पॉइंट, ठीक है। तो लैटिस क्या हो गया, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D स्पेस, और स्पेस के अंदर जो साइट ऑक्यूपाई किया हुआ है कौन सा, कौन, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उनको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें यूनिट सेल की, यूनिट सेल क्या होता है। चूंकि हमारा जो ये लैटिस होता है, तो ये जो पूरा लैटिस होता है वो यूनिट सेल से ही मिलके बना होता है। तो आइए देखते हैं कि हमारा यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल जो हमारा होता है उसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रिपीटेशन। तो यूनिट सेल को अगर हम डिफाइन करें, यूनिट सेल द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म कंप्लीट लैटिस आफ्टर रिपीटेशन, यानी कि ऐसा कोई 3D यूनिट जिसको हम बार बार रिपीट करें और हमारा इंटायर लैटिस पूरा क्रिस्टल लैटिस बनके तैयार हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है ना। यूनिट सेल ठीक वैसे ही होता है जैसे एक बिल्डिंग के अंदर ब्रिक्स होते हैं, ईंट होते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि ईंट को अगर हम क्या 3D अरेंजमेंट करते हैं, जैसे दीवार बनाते हैं, तो ऐसे एक समय क्या होता है, पूरा हमारा बिल्डिंग बनके तैयार हो जाता है। सेम वही कंडीशन हमारा क्या होता है, यूनिट सेल का। अगर यूनिट सेल, ध्यान देना, यूनिट सेल का अगर 3D अरेंजमेंट करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारा कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस बनके तैयार हो जाता है। कैसे होता है, थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। ध्यान देना, जो ये हमारे जो लैटिस पॉइंट है, ध्यान देना, जो ये लैटिस पॉइंट है, इनको हम कुछ इस तरह से, अगर इनको कुछ इस तरह से अरेंज करें, अगर हम इन्हें इस तरह से अरेंज कर रहे हैं, तो देखिए एक हमारा ये यूनिट सेल बनके तैयार हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। ये क्या हो गया, यूनिट सेल। अब कह रहा है कि इसका अगर हम रिपीटेशन करें, क्या कर रहा है, द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म कंप्लीट लैटिस आफ्टर रिपीटेशन। तो अगर इसका हम रिपीट करें 3D में, तो क्या होता है, कंप्लीट लैटिस का फॉर्मेशन करता है। रिपीट कैसे करेगा, जितना बना है उतने पहले देखते हैं। मान लो इसको यहां से यहां मिलाए, फिर यहां मिलाए, फिर इसको ऐसे मिलाते हैं, ठीक है ना। फिर हमें आप देखते हैं कि एक और हमारे पास यूनिट सेल दिख रहा है यहां पे। अगर हम बात करें इसके आगे भी, तो बार बार आप रिपीट करते जाइए, आपको नए नए यूनिट सेल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहां भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यूनिट सेल को अगर हम रिपीट करते हैं तो हमको एक इंटायर क्रिस्टल लैटिस मिल जाता है। इसके बाद हम यूनिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। तो ध्यान देना, यूनिट सेल के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं यूनिट सेल कैरेक्टराइज्ड बाय आपका फर्स्ट हो जाएगा एजेस, एंड सेकेंड आपका हो जाएगा इंटरफेसियल एंगल, ठीक है ना, एजेस एंड इंटरफेसियल एंगल। अगर मान लो हम कोई यूनिट सेल लेते हैं, कोई भी एक यूनिट सेल अगर हम ले रहे हैं, जैसे क्यूबिक यूनिट सेल ही हम अगर ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, ध्यान देना,
ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस है। इसके बीच में जो एज होगा ये हमारा a है, ये b है और ये c, ये तीन एज हो गए। और इनके बीच में ध्यान देना जो एजेस हमारे होते हैं क्या होते हैं, a b एंड c, ठीक है ना। और जो इनके बीच में इंटरफेसियल एंगल होता है, ध्यान देना a और b के बीच में क्या होगा, गामा होता है, ठीक है ना। b और c के बीच में क्या होता है, अल्फा होगा। और c और a के बीच में यहाँ पे क्या है, बीटा है, ठीक है ना। तो इंटरफेसियल एंगल क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये हमारे हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। तो जनरली छह होते हैं, कौन, ए बी सी इंटरफेसियल एंगल, सॉरी ए बी सी एजेस और अल्फा बीटा गामा इंटरफेसियल एंगल, ठीक है ना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है, तो अगर हम बात करें इस यूनिट सेल हैज कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेशनशिप बिटवीन एजेस ए बी सी एंड इंटरफेसियल एंगल अल्फा बीटा गामा टू गिव राइज डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ध्यान देना ये मिलके हमको अलग अलग टाइप के क्रिस्टल सिस्टम देते हैं। वैसे जो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो क्रिस्टल सिस्टम हमको मिलने हैं वो हमारे 7 टाइप के होते हैं। तो आइए उसको देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्रिस्टल सिस्टम अगर हम देखें क्रिस्टल सिस्टम हमारे 7 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, बहुत ध्यान समझिएगा, आसानी से याद हो जाएगा तुरंत। सी टोर एच एम टी, सी टोर एच एम टी, ध्यान देना सी फॉर हो जाएगा आपका क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक, आर फॉर रॉम्बोहेड्रल, एच फॉर हेक्सागोनल, एम फॉर मोनोक्लिनिक एंड टी फॉर ट्राइक्लिनिक। अब ध्यान देना इसका हमें क्या लिखना है, एज और इंटरफेसियल एंगल के बीच में रिलेशन हमें बताना है। तो ध्यान देना यहां पे, अगर हम यहां पे एजेज लिखे और यहां पे हम इसका इंटरफेसियल एंगल कर देते हैं, तो जो हमारा एज होगा, ध्यान देना बहुत ध्यान समझिए इसको हम इस मैनर में क्यों लिखे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान देना तो क्यूबिक के लिए जो एज होगा हमारा वो हो जाएगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, टेट्रागोनल के लिए होता है ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ऑर्थोरॉम्बिक के लिए होता है ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, रॉम्बोहेड्रल के लिए फिर से वापस से रिपीट कर देंगे किसको, इसको वापस से क्यूबिक वाले को ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, हेक्सागोनल के लिए ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, मोनोक्लिनिक के लिए हो जाएगा ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और ट्राइक्लिनिक के लिए हो जाएगा ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो ध्यान देना कितना एक पैटर्न पे है ना, तो पैटर्न पे है तो आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे देखिए ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, दूसरे में क्या हो रहा है ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, अब क्या हो रहा है इसमें तीनों नहीं हो रहा है इक्वल, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तीसरे में फिर क्या है, फिर वापस यही जो तीन था वही रिपीट कर रहा है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, फिर हेक्सागोनल किसमें ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और फिर आपका मोनोक्लिनिक में क्या हो रहा है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और ट्राइक्लिनिक में ए नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। अब ध्यान देना जहां दोनों में क्लिनिक आ रहा है ना, तो दोनों में अगर क्लिनिक आ रहा है तो ध्यान देना दोनों में कोई भी आपका जो एज है वो इक्वल नहीं होगा, ठीक, एक चीज इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे जब ट्रिक में एक टी ऊपर है एक टी नीचे है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए आप समझिए यहाँ पे मोनोक्लिनिक के नीचे ट्राइक्लिनिक, यानी क्लिनिक वाला जो टी है, ठीक है ना, उसको नीचे लिखेंगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इंटरफेसियल एंगल की, तो जब इंटरफेसियल एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका होता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल में भी क्या होता है
अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ भी सेम होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या होता है, ध्यान देना बच्चों, इसके केस में, रोम्बोहेड्रल के केस में आपका होता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हेक्सागोनल के केस में, हेक्सागोनल में आपको मालूम ही है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है ना। फिर अब बात करते हैं मोनोक्लिनिक में, तो मोनोक्लिनिक में क्या होता है, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और ट्राइक्लिनिक के केस में हम कहते हैं अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, ये हमारा क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, इसके लिए एजेस और इसका इंटरफेसियल एंगल। आसानी से आप एक बार इसको ध्यान से पढ़िए, लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर नोट करने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल, मोस्ट सिमेट्रिकल जो आपका क्रिस्टल सिस्टम है वो क्यूबिक है। इसमें देखिए, इसमें एजेस भी क्या है, इक्वल है और सारे बॉन्ड 90 डिग्री के हैं, ठीक है ना। और मोस्ट अनसिमेट्रिकल देखिए कौन सा है, ट्राइक्लिनिक है। ट्राइक्लिनिक में देखिए कोई भी आपका एज सिमिलर नहीं है, इक्वल नहीं है, और कोई भी आपका इंटरफेसियल एंगल भी 90 डिग्री नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा होगा, तो क्यूबिक होगा, और मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा होगा, तो ट्राइक्लिनिक होगा, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में ब्रेवियस लैटिसेस पढ़ेंगे। अब इन्हीं के बेसिस पे 14 टाइप के ब्रेवियस लैटिसेस होते हैं, इसी के आगे हम डिस्कस करेंगे। ब्रेवियस लैटिस पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल, और यूनिट सेल के टाइप पढ़ने के बाद हम एक यूनिट सेल के अंदर एक पार्टिकल का कितना कंट्रीब्यूशन होता है उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।